यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने दायर की याचिका, कहा चांद तारे वाले हरे झंडे से होता है पाकिस्तान का आभास, बैन करे सुप्रीम कोर्ट। बड़ी ब्राह्मणा के सोरो क्षेत्र में पशु हत्या के कारण हालात हुए तनावपूर्ण, स्थानीय लोगों ने सड़क मार्ग किया जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जम्मू में इंटरनेट सेवाएं की गई बंद, सरोल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रसाना कांड की सीबीआई जांच पर जताई सहमति, कहा राज्य सरकार के कहने पर करवाई जा सकती है सीबीआई जांच। जम्मू में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का हुआ उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक मुख्य रूप से थे उपस्थित। चौधरी लाल सिंह ने भव्य रैली का आयोजन कर किया शक्ति प्रदर्शन, इस दौरान आसिफा मामले की सीबीआई जांच की मांग। मुबारक मंडी परिसर के एक हिस्से में लगी आग, इससे पहले भी कई बार हो चुकी है आग की घटनाएं। उत्तरी कश्मीर के उड़ी में आज यात्रियों से भरी एक बस हुई दुर्घटना का शिकार, इस हादसे में बस में सवार कई यात्री हुए घायल, जिनमें छात्र भी हैं शामिल। डोडा में मोटरसाइकिल हुई सड़क दुर्घटना का शिकार, मोटरसाइकिल सवार दो नाबालिग युवकों की हुई मौके पर ही मौत। मनमर्जिया फिल्म की शूटिंग के लिए सोनमर्ग पहुंचे अभिनेता अभिषेक बच्चन, बाकी फिल्म निर्माताओं से कश्मीर में आकर शूटिंग करने की अपील। तराल आतंकी हमले में एक जवान हुआ घायल, सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी, चलाया तलाशी अभियान। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने अपनी मांगों को किया उजागर, कहा सेवंथ पे कमीशन की रिपोर्ट को किया जाए सार्वजनिक। जम्मू स्थित कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने किया प्रदर्शन, रसाना कांड की सीबीआई जांच की मांग। सोपोर में छात्रों को सुरक्षा बलों में झड़प होने से हालात हुए तनावपूर्ण, रैली निकालने से रोकने पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों ने सुरक्षा बलों पर किया। आईजीपी ट्रैफिक बसंत रथ ने अनंतनाग का किया दौरा, यातायात संबंधी सुविधाओं का लिया जायजा। पुंछ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव हुआ बरामद, मृतक की पहचान आजाद परवेज छतराल मेंढर का रहने वाला है। छतराल के लोगों ने बीएमओ मेंढर व सीएमओ पुंछ के विरुद्ध किया प्रदर्शन, शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस के बजाय सुमो में ले जाने को हुए मजबूर। रामबन जिले के पीडीडी कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी कर्मियों ने अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग। आरएसपुरा में चोरों ने घर में लगाई सेंध, घर के मालिक के अनुसार 8 लाख के जेवरात किए चोरी। विजयपुर में स्थानीय लोगों ने आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा रसाना मामले को लेकर किया गया प्रदर्शन, रसाना मामले की सीबीआई जांच की गई मांग। चिप बिरादरी के चेयरमैन जय सिंह चिप को भारत ज्योति पुरस्कार से किया गया सम्मानित, बेस्ट सिटीजन पब्लिशिंग हाउस द्वारा दिया गया सम्मान। कालाकोट में आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों के समर्थन में उत्तरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेंका नेताओं के एक दल ने आंगनवाड़ी कर्मियों को पूर्ण समर्थन देने का दिया आश्वासन। गांधरबल डिग्री कॉलेज के छात्रों ने कठुआ मामले को लेकर किया प्रदर्शन, इस दौरान छात्रों ने की पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। श्रीनगर के लाल चौक में कठुआ मामले को लेकर किया गया प्रदर्शन, आंगनवाड़ी कर्मियों व छात्रों ने किया प्रदर्शन। ग्रीनफील्ड ग्राउंड गांधीनगर में पीडीडी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ आयोजित, पीडीडी विंग की कुल 8 टीमें टूर्नामेंट में लेगी भाग। थाना मंडी में स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों ने दोपहर 2 से 4 बजे तक क्षेत्र रखा बंद, कठुआ मामले के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। रामसू में सामान से लदा ट्रक सड़क के बीचों बीच पलटा, सड़क दुर्घटना के कारण रास्ते में लगा वाहनों का जाम। थाना मंडी में बार एसोसिएशन सिविल सोसाइटी आदि ने संयुक्त रूप से किया प्रदर्शन, कठुआ मामले में बच्ची को न्याय दिलाने की मांग। राजौरी में जेएनके स्टेट वुमेन कमीशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। राजौरी में आंगनवाड़ी कर्मियों ने सरकार विरोधी किया प्रदर्शन, सरकार पर समस्याओं के समाधान न करने का लगाया आरोप। ईशांत होटल रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट लोकेटेड ऑन NH1 विजयपुर, डिस्कवर द बेस्ट ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एट ईशांत होटल। You will find every facility with very economical budget. Ishant is best suited for dinner party, birthday party, wedding party, social gathering and corporate events. Ishant Hotel, Restaurant and Banquet at National Highway, Vijaypur, Jammu. GK Update.
अपडेट रहें हमारे साथ।